वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल MLT। आज हम पेंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। तो पेंक्रियाज हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन ये भी होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। पेंक्रियाज इज कॉल्ड अ ड्यूअल ग्लैंड। इसे ड्यूअल ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इसमें से एंजाइम्स और हॉर्मोन्स दोनों ही सिक्रेट्स होते हैं। इसमें एंजाइम्स भी बनते हैं और हॉर्मोन्स भी बनते हैं। द पेंक्रियाज सिक्रेट थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम। जो हमारी पेंक्रियाज होती हैं वो तीन तरह के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। पहला है ट्रिप्सिन, जिसे कीमोट्रिप्सिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। दूसरा है पेंक्रियाटिक लाइपेस। ये क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो भी फैट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। तीसरा है हमारा पेंक्रियाटिक अमाइलेस। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये एंजाइम। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। जो होती हैं ये हमारे इन्हीं तीन टाइप के एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। पेंक्रियास मेक्स हार्मोन। हमने बताया था जो पेंक्रियाज होता है वो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो हमने अभी एंजाइम्स की बात की, अब है हमारा हॉर्मोन्स। तो टू टाइप्स के हॉर्मोन को ये सिक्रीट करता है पेंक्रियाज। पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन हॉर्मोन्स की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। ये महत्वपूर्ण क्यों होता है, जब हम खाना खाते हैं तो उसके जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं तो वो इसी हार्मोन के द्वारा होता है। दूसरा है ग्लूकागन। इट इज़ एसेंशियल्स टू स्टोर एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स इन द लीवर। ये जो ग्लूकागन हार्मोन होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है लीवर में। पेंक्रियाज इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। पेंक्रियास को हम एंडोक्राइन भी बोलते हैं और एक्सोक्राइन भी बोलते हैं। एंडोक्राइन होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स दैट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स विदाउट डक्ट। ये क्या होता है, ये ऐसा ग्लैंड होता है एंडोक्राइन जो कि बिना डक्ट के क्या करता है, हॉर्मोन्स को रिलीज कर देता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो पार्ट्स ऑफ हमारे एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। दूसरा है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स थ्रू डक्ट। जो हमारा एक्सोक्राइन होता है वो ये कौन सा सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्मोन्स होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो डक्ट के माध्यम से क्या करते हैं, सिक्रीट होते हैं। जैसे कि पेंक्रियाटिक डक्ट, डायग्राम में आपको पेंक्रियाटिक डक्ट दिख रहा होगा, इसके माध्यम से क्या होता है, इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। सिंपल में देखा जाए तो जो एंडोक्राइन होता है वो बिना डक्ट के रिलीज़ हो जाता है, जो भी हॉर्मोन्स होता है वो बिना डक्ट के रिलीज़ होता है, और जो एक्सोक्राइन होता है वो डक्ट के माध्यम से होता है, जैसे कि पेंक्रियाटिक डक्ट, इसके माध्यम से हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है। द पेंक्रियस सिक्रीट्स पेंक्रियाटिक जूस इन द पेंक्रियाटिक डक्ट। जो पेंक्रियास होता है वो क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है। किसके द्वारा, पेंक्रियाटिक डक्ट। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा पेंक्रियाटिक डक्ट, इसी के द्वारा जो हमारे जूसेस निकलते हैं पेंक्रिया के वो रिलीज़ होते हैं। पेंक्रियास सिक्रीट्स हार्मोन डायरेक्टली इन द ब्लड, और जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो सीधा ब्लड में चले जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।